बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हवाले हज़ारा के साथ आपका मेज़बान महर सीमा एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, हवाले हज़ारा में आज हम मौजूद हैं नथिया गली में। नथिया गली में हम इस वक्त चर्च पार्क में यहाँ मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज आई हुई है। हम उनसे आज बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या क्या यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, बहुत फैमिलीज़ आई हुई हैं, क्या इंटरटेनमेंट है उनकी और क्या यहाँ पर कर रही हैं। वेदर का अगर मैं बताऊँ, बहुत ही प्यारा वेदर। हमारे साथ कुछ फैमिली मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे वो कहाँ से आए और कैसे इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। कहाँ से आए हैं? हम लोग इस्लामाबाद से आए। इस्लामाबाद से जी। तो कैसा लगा अब गलियात आई, कहाँ क्या क्या देखा और कहाँ कहाँ गया? हम लोग इधर बहुत मज़ा आ रहा है, तो बहुत गर्मी थी और जब हम लोग इधर आए तो काफ़ी मज़े का मौसम और सर्दी और बहुत मतलब मज़े का। इधर हमने कल रात को बॉन फायर भी किया है, हॉर्स राइडिंग, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। कहाँ कहाँ गई आप, मतलब और गलियात के अलावा? एक दिन का या शॉर्ट टूर? नहीं, हम लोग इधर दो दिन के लिए आए हुए हैं। हम लोग इधर काफ़ी प्लेसेस जाएंगे अभी आगे और काफ़ी यहाँ से मतलब यू नो नीलम वैली और इधर वगैरह काफ़ी मतलब यू नो आगे हमने छुट्टियाँ या समर हॉलीडेज में हम लोग इधर आए हुए हैं। यहाँ पर आप पहली बार गलियात साइड आई हैं, क्या प्लान है मतलब आगे? स्वात और जैसे लाहौर ये चीज़ें मतलब वहाँ भी हैं, वहाँ डिफरेंट है? नहीं, वहाँ पर भी जाएँ लेकिन यू नो इधर अपने एक नेचुरल वो होता है, यू नो अच्छा मौसम और उधर बहुत गर्मी यू नो इस साल, लेकिन इधर काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी इधर हमें यू नो अच्छा लगता है इधर से। अच्छा, आप बहुत सी जगह गई होंगी, जहरी बात है फैमिली में देख रहा हूँ आप काफ़ी पूरी फैमिली आई हुई है, तो कौन सी जगह ऐसी है हमारे खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूँ, आप आए हैं तो कौन सी जगह अच्छी है टूरिज़म के हवाले से? इधर खूबसूरत हाँ नीलम वैली, स्वात काफ़ी अच्छी जगह है और नेचुरल लुक और यू नो नेचर और सारा कुछ बहुत अच्छा है। कश्मीर रिवर और वहाँ पर यू नो लाइक सारा काफ़ी लाइक अच्छा, मतलब हमारा पाकिस्तान स्विट्जरलैंड है? नहीं, वो भी अच्छा, लेकिन हर जगह प्यारी है, लेकिन हर चीज़ का अपना डिफरेंट वो होता है ना, जिसको जो पसंद है ना ये बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? हाँ ठीक ठाक। बच्चों की छुट्टियाँ होगी? हाँ छुट्टियाँ हुई हैं और बच्चों ने कहा है कि हम एंजॉय करने जा रहे हैं छुट्टियाँ, तो फिर हम लोग यहाँ दो दिन का टूर हमारा यहाँ पे है, मतलब इससे आगे भी होंगे? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बच्चे ठीक है, तो अगर बाकी मैं बात करूँ उन इलाकों की जैसे लाहौर भी है, तो आप छुट्टियों में बच्चे जहरी बात है मौसम के यहाँ पर जिस तरह भी बहुत प्यारा मौसम है, तो आपका प्रोग्राम इन इलाकों में होता है या उधर भी जाते हैं पंजाब से? वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन विंटर में हमारा वहाँ पर होता है और समर में हमारा यहाँ पर होता है, क्योंकि समर के लिए ये ज़्यादा सूटेबल होते हैं हमारे। तो क्या दिखती है मतलब आप जहरी बात है बड़े शहरों के हवाले से अगर हम गलियात की बात, क्या यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए टूरिज़्म के हवाले से? यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी इतनी है कि जब वहाँ से लोग आते हैं तो नेचुरल ब्यूटी को बहुत इंजॉय करते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे पार्क्स वगैरह, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पे इतनी चीज़ें थी जो नहीं थी, अब इस पार्क में आहिस्ता आहिस्ता ये और डेवलप हो रहा है और चीज़ें आ रही हैं, तब्दीली हो रही है, तब्दीली और भी अल्लाह करे तब्दीली आए और लोग इंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर विज़िट करें और इंजॉय। तब्दीली तो हर जगह पर हो रही है? तब्दीली हो रही है, लेकिन ये अलग बात है कि पॉजिटिव हो रही है नेगेटिव हो रही है हो रही है, मतलब यहाँ पर अब आप आए इंसान वहाँ पे जो टेंशन है जो आजकल हो रहा है हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला उसको बेहतर करे, अपनी फैमिली के साथ महंगाई है जो कुछ है। हाँ मैं कहती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ आए, इंजॉय करें, यहाँ पे आप बहुत रिलैक्स होंगे, आप मतलब के बहुत इंजॉय करेंगे और स्टे करें यहाँ पे और ब्यूटी को नेचर को इंजॉय करें, और हमारा मुल्क बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से जी। तो कैसा लगा यहाँ, क्या अच्छा, क्या देखा? बहुत अच्छा। क्या क्या देखा यहाँ? सब कुछ देखा। क्या क्या? जंगलात, पहाड़, मंकी और ये सारे मंकीज बहुत ज्यादा देखे। तो क्या सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या अच्छा लगा? नेचर ब्यूटी। पिक्स बनाई जी बहुत ज्यादा, दोस्तों को सेंड किए? हाँ बहुत ज्यादा। जी नाज़रीन, यहाँ पर फैमिली से बात हुई जिस तरह की, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेदर बहुत प्यारा, और फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, हम मज़ीद भी बात करेंगे आगे भी जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी मौजूद है नाज़रीन यहाँ पर नथिया गली चर्च पार्क में, यहाँ पर मुख्तलिफ फैमिलीज़ और भी आई हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे कहाँ से आई है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मौसम बहुत प्यारा जो है इस वक्त, बादल गहरे घने बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम बनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी? ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? हम इस्लामाबाद से आए हैं जी, बहुत मज़ा आया नथिया गली का में आए हैं हम, बहुत अच्छा मौसम है, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है यहाँ पे।
इस्लामाबाद और यहाँ के मौसम का पहले बताएं। बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। वहाँ बहुत गर्मी भी है, लोड शेडिंग है, यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है। और क्या क्या है मतलब हालात? ग्रीनरी बहुत अच्छी है, वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, वहाँ भी है लेकिन जहाँ बहुत अच्छी ग्रीनरी और ताज़ा हवा है। और यहाँ पे महंगाई वगैरह तो नहीं है? महंगाई बस एंजॉय के लिए आए हैं तो महंगाई क्या काउंट करती है फिर? मतलब हमारे मुल्क में महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई है ना, बहुत है। तो यहाँ पर बंदा आकर रिलैक्स हो जाए? हाँ, रिलैक्स हो जाए। अच्छा, क्या क्या देखा आपने? मतलब यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज है और ओवरऑल आप यहाँ पर आई गलियात या मतलब क्या देखती हैं टूरिज्म के हवाले से, कैसे इंतजाम? हाँ, अच्छे इंतज़ाम है लेकिन और भी गवर्नमेंट को चाहिए थोड़े करने चाहिए। थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा है, उस हिसाब से लोग सही तरह एंजॉय नहीं कर सकते। तो क्या होना चाहिए मतलब क्या क्या कमी? प्राइसेस के हवाले से मतलब यहाँ पर प्राइवेट, आप ये कहना चाह रही हैं कि प्राइवेट एक्टिविटीज़ यहाँ पर जितने भी यहाँ पर अगर जिप लाइन की बात करें या और यहाँ पर पार्क वगैरह बने वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए? गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए और रीजनेबल, उस पर रिलीफ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा रिलीफ होना चाहिए। हमारी आवाम आजकल रिलीफ बहुत मांगती है, हर चीज़ में, घी में रिलीफ, आटे में रिलीफ, बिजली में रिलीफ, तो हुकूमत तो आपको पता है फिर कहाँ होनी तो चाहिए ना, उसके बगैर हमने जिंदा भी तो रहना है। मतलब अगर उधर नहीं दे सकते यहाँ पर टूरिज्म में तो कम से कम कहीं तो देना ताकि बैलेंस आउट हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी कुछ कहें जी। क्या क्या होना चाहिए बताएं? यही होना चाहिए टूरिज्म के हवाले से। हाँ जी, अच्छे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जी कुछ दौर में ये पॉड्स बनना शुरू हो गए थे, तो पॉड्स में हम मसलन सवात, कलाम वगैरह साइड पर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें मरी के रास्ते में भी TDCP के आते हुए पॉड्स वगैरह मिले, तो यहाँ पे भी पॉड्स वगैरह कुछ क्रिएट होने चाहिए। लोग यहाँ पे जो महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस काफ़ी कॉस्टली हैं, तो वो पॉड्स वगैरह में एक डिफरेंट सेटअप मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो अगर होंगे इनिशिएटिव्स तो लोग उनमें आके रहेंगे और बड़ा अच्छा, यानी कि उनमें सेटअप्स वगैरह में वो इन्जॉय करेंगे। बाकी यहाँ पर हम ये चर्च के सामने पार्क में आए हुए हैं, यहाँ पर ये बड़ा अच्छा सेटअप हुआ है, जिपलाइन वगैरह, मंकी जंप्स वगैरह, बच्चों के लिए एक बहुत डिफरेंट सी पार्क। तो वैसे इस्लामाबाद में भी ऐसे बहुत सहूलतें हैं लेकिन मतलब क्या डिफरेंट देखते हैं इस्लामाबाद और गलियात? पहले तो यहाँ पे यानी यहाँ का वेदर सबसे अच्छा है, ठीक है ना कि जी। मैं आप नज़ारे मसलन हम हैं आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। मैं इस्लामाबाद से भी आगे बेसिकली लाहौर से आए हुए हैं, जो कि हम इस्लामाबाद में सेटल, तो वो काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे कि जी इस्लामाबाद बड़े बड़े वहाँ भी है लेकिन पार्क वहाँ पे भी बड़े बड़े, लेकिन यहाँ पे पार्क्स वगैरह में ये डिफरेंस है कि जी वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है कि जिपलाइन वगैरह, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स वगैरह उस तरह से नहीं है, तो यहाँ पे माउंटेन्स में जिपलाइन वगैरह और इस तरह की चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है और ये मजीद बढ़नी चाहिए यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अनाबिया। अनाबिया, माशाल्लाह नाम बहुत प्यारा है। किस तरह रखा आपने, खुद रखा? नहीं, मम्मा ने रखा है। अच्छा, मम्मा ने रखा है। अच्छा, आपने नाबिया यहाँ पर क्या इंजॉय किया? मैंने ये पूल में इधर ये कश्ती थी तो उसमें बैठी तो मुझे बहुत मज़ा आया था, जंपिंग भी की थी उसमें भी मज़ा आया, मैंने ये भी लिए। ये क्या मतलब? पानी में मैंने कश्ती में बैठ के लिए मैंने और इसने। अच्छा। तो बहुत मज़ा आया, बोटिंग की। अच्छा, फिर आओगी यहाँ? अभी तो मेरी छुट्टियां हैं तो मैं अभी जा रही हूँ। किधर जा रही हूँ? लाहौर जा रही हूँ ना, अभी बाबू ने बताया। तो गर्मी है इधर, देखिए इधर रहे हैं। हाँ, बहुत गर्मी है, उधर लाइट भी जाती रहती है। तो इधर लाइट जाती है? इधर कम कम ही जाती है। अच्छा, कम कम लाइट जाए भी तो परवाह नहीं है ना। हाँ, क्यों? इधर मौसम अच्छा है। उधर क्या क्या, उधर क्या लाहौर में क्या क्या है? लाहौर में ज्यादा बिजली जाती है, फैमिली है, बिजली जाती है और गर्मी बहुत होती है। तो यहाँ से फिर ना जाए, इधर रहे ना, पापा को बोले यहाँ में घर ले दे। उधर मेरे कजिन्स होते हैं ना तो मैं उनके साथ खेलती रहती हूँ। इधर इधर लेके घर बना ले, इधर इधर अच्छा इधर अच्छा है ना, इधर ही इधर का मौसम भी बहुत अच्छा है, लाइट भी कम जाती है। तो घर बनाएंगे मतलब, इधर पापा को कह रहे हैं घर छोटा सा बना लेना। हाँ, इंशाल्लाह ठीक, क्योंकि होटल के जैसे अभी आपके पापा कह रहे थे होटल के किराए बहुत ज्यादा हैं, तो घर बना ले तो अच्छा नहीं है? इंशाल्लाह बनाएंगे। क्या पैगाम देना चाहोगे अपनी दोस्तों को भी बताएं ना, क्या बताएं दोस्तों को बताएं? यहाँ पे आए, इधर बहुत अच्छा अच्छा मौसम है, बहुत मजा आ रहा है इधर, रिप्लाइंस हैं, मंकी जंप्स हैं, बोटिंग है, काफ़ी कुछ है।
जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा यहाँ पर जो बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जिस तरह भी उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग यहाँ पर बिल्कुल जो कुदरती नज़ारे, कुदरती मौसम जो है यहाँ पर बहुत ठंडा, तो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। लेकिन जिस तरह भी भाई ने बात की महंगाई के हवाले से, जैसे कि गवर्नमेंट को भी चाहिए यहाँ पर कुछ ऐसे पार्क्स बनाएँ, ऐसे कुछ स्पॉट बनाएँ जिसमें इनको कम से कम जो है खर्च में यहाँ पर वो अपनी इंटरटेनमेंट कर सकें और जो आए हुए सयाह उनको अच्छे सयाह के मौके मिल सके। ना जिस तरह हम मज़ीद आगे जाएँगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हम यहाँ पर मौजूद हैं चर्च पार्क नथिया गली में। यहाँ पर जिप लाइन पे एक छोटी बच्ची जिस जो कि जिप लाइन पे अभी इसने ये आई, हम पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक। ठीक हैं जी। जिप लाइन पे आई हैं तो ये कैसा लगा, और पहली बार थी या पहले भी से आप पहले भी आप जिप लाइन पे आई हैं? सर मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं लाहौर से। तो किसने ये आइडिया दिया? मम्मा जो पापा खड़े हुए हैं, कजन क्या कह रहे थे कि कर लो? क्या कर लो? ज़िपलाइन। हाँ ज़िपलाइन। तो कैसा लगा बताएं ना जीन को, कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहले डर लग रहा था लेकिन अब अच्छा लग रहा है। पहले डर लग रहा था। अच्छा, मैं फिर से भी आऊँगी यहाँ पर, यहाँ पर ज़िपलाइन करूँगी। आप लोग भी आए यहाँ पर, आप लोग भी यहाँ पर आए, बहुत मज़ा आया मुझे ज़िपलाइन पर। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वानिया से तो हमने पूछा, वो तो कह रही बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनका। तो आपको कैसा लगा? मैं देख रहा था तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे भी बहुत मज़ा आया है। ज़रूर आए, ज़िपलाइन बहुत मज़ेदार है, एक दफ़ा ट्राई करें, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, आई एम श्योर। इससे पहले भी आप ज़िपलाइन पे कभी एक्सपीरियंस था? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया है। मैं तो सबको कहूँगी सब आए और ये ज़रूर ट्राई करें। आपके साथ कौन किस किस? ये मेरी सिस्टर है, इन्होंने भी की है, ये भी मेरी सिस्टर है, इन्होंने की है, ये भी मेरी सिस्टर है। अच्छा, चारों बहनों ने, माशाल्लाह, चारों बहनों ने। अच्छा, ये क्या आइडिया कैसा था यहाँ पर आई आपने ज़िपलाइन, ये पहले से पता था? पहले से नहीं पता था, हम लोग अभी आए हैं, हमने देखा, बहुत मजा आया है, हमने कहा मैंने कहा मैंने जरूर ट्राई करना है, थोड़ा लाइफ का एक्सपीरियंस करना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले अगर देखे तो मेल ज्यादा करते थे? हाँ जी, लेकिन अब जो है मैंने देखा काफी ज्यादा लड़कियाँ, ये भी बहुत डरी थी, मैं खुद बहुत डरी थी, बाकी लड़कियों को देख के आपने भी हिम्मत की? हाँ जी, मैंने भी उनको देख के हिम्मत की। मम्मा पापा ने इजाजत दी? हाँ जी दी, बिल्कुल दी। तो उन्होंने भी किया या आप बस? नहीं नहीं, हम बहनों ने किया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, जरूर आए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, ट्राई करें लाजमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत मजा आया, पहली दफा मैंने किया और पहली दफा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आप, मैं देख रहा था पहले तो आप अनबैलेंस हुई, थोड़ा सा हुई थी? हाँ जी, बीच में थोड़ा सा हुई थी, तो उन्होंने कहा टांगे आपने ऊपर करके रखी है तो फिर आपका सही होगा। तो सब ने किया, तो अब क्या नेक्स्ट भी ट्राई करेंगे कहीं पे, मतलब जैसे लॉन्ग ऐसी जिप लाइन हो? हाँ जी जरूर, क्योंकि यहाँ पे बहुत मजा आया तो वहाँ पे भी मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। आगे आए, आगे हैं। अच्छा, सबसे आप में से बड़ी सिस्टर कौन है? वो उधर है, उधर है वो। वो भी अभी आएंगी? नहीं, वो भी आएंगे। तो और ये छोटी हैं, बड़ी हैं आपसे कौन है? सबसे ये बड़ी जी, ये बड़ी हैं, सबसे बड़ी वो हैं, फिर उनके बाद ये हैं, फिर एक और है, फिर मैं हूँ, फिर ये हैं। सिस्टर भी आ रही है ये? जी मेरी बड़ी सिस्टर भी आ रही है, वो देखिए। अच्छा, वो भी आ रही है? जी वो भी आ रही है। मतलब आप पांच सिस्टर हैं माशाल्लाह? छह सिस्टर हैं। तो अभी जिप लाइन पे पांच हैं ये? हाँ जी जी जी। नाज़रीन, जिस तरह देखा हमने यहाँ पर जो पांचों सिस्टर ने जो है आज ट्राई किया यहाँ पे जिप लाइन, हम भी यहाँ पर आएंगे, वो भी अभी आई है, तो इनकी बड़ी सिस्टर से पूछेंगे कि वो कैसा देखती है जो एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। कैसा लगा जिप लाइन? मुझे बहुत मजा आया, बहुत इंजॉयमेंट था, मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया है, बड़ा एडवेंचरस था लेकिन मजा आया, और हम सब ने ट्राई किया है, और इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए यहाँ पे ताकि
इंजॉय करे लोग, बहुत अच्छा है। 500 सिस्टर ने आपने किया? हाँ जी। 6 सिस्टर है आपकी सिंगल बता रही थी। हम कजन्स हैं। अच्छा, कजन्स। 3 सिस्टर्स हम हैं, 3 वो हैं। अच्छा, 6 मतलब। पूरी फैमिली आई है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हाँ। इस तरह की और एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि और लोग आए और ज्यादा जो तो है। यहाँ पर रेट मुनासिब है क्या समझते हैं? हाँ जी, 250 मेरे ख्याल में तो मुनासिब है। इंजॉयमेंट भी तो है ना। तो इससे पहले वेदर के हवाले से यहाँ की और खूबसूरती है क्या क्या देखा आपने, क्या कहेंगे? हम हमारी में कुल्डना में हमने स्टे किया है और हमने काफ़ी कुछ देखा। कल हम जो है वो चिनार गोल्फ एंड कंट्री क्लब गए थे और आज हम यहाँ नथिया गली जो है यहाँ का कह रहे हैं। अभी हमने ट्रैक भी करना है और मज़ा आ रहा है। एडवेंचर्स जो है इस तरह के और होने चाहिए। मतलब इस टेंशन के दौर में इस बंदे जो है ना महंगाई की इन चीज़ों से रिलैक्स करता है, बाकी सब कुछ भुला के। जिस तरह पेट्रोल ने जो हम पे एक बॉम्ब गिराया है पूरा, तो इस तरह के हालात में इस तरह का काफ़ी कुछ होना चाहिए ताकि बंदे रिलैक्स करने के लिए आए यहाँ कुछ देर के लिए। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। मैंने देखा माशाल्लाह 6 यहाँ पे बेटियाँ आपकी, वो कह रही हम 3 बहने, 1 और 3 बहने दूसरी, तो इनको आपने जिप लाइन पे जो है यहाँ पर इनको मौका दिया, लेकिन आपने खुद नहीं किया, क्या वजह? बस मैंने कहा बच्चे एडवेंचर कर लें, हम जरा उनको देख के एंजॉय कर लेते हैं। मैं देख रहा था आप खड़े बड़े एक्साइटेड थे। जी जी, हम बच्चों को देख के इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे। जी जी बिल्कुल ऐसे। क्या कह रहे थे मतलब? बच्चों को वही बता रहे थे सेफ्टी प्रिकॉशंस लें ताकि उनको कोई चोट वगैरह ना लगे। देख रहा था आप उनको कह रहे थे पाँव ऊपर करो, ये करो, ऐसे बिल्कुल ताकि टच ना हो वहाँ से, तो कोई चोट वगैरह ना, कोई हर्ट ना हो जाए उनका पाँव वगैरह। तो आपने जब इनको इजाजत दी तो जहरी बात है फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनका। मैंने पूछा सबने पहली बार किया। जी जी बिल्कुल। तो ऐसी एक्टिविटीज के बारे में क्या कहें, जैसे आप यहाँ पर आई फैमिली को लेके आए, सब पूरी फैमिली में देख रहा हूँ आपकी आई हुई है, तो बाकियों को क्या मैसेज देना चाहिए एक्टिविटीज में फैमिलीज को या फीमेल्स को आना चाहिए? जी जी बिल्कुल आना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान ज्यादा मेल ही करते हैं। जी जी, टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए और बिल्कुल हमें इस तरह के एडवेंचर्स करते रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर और क्या आप गलियात में आई, यहाँ पर और क्या देखती हैं और क्या कमियाँ, यहाँ क्या चीज चाहती है आपके मजीद बढ़े तो अच्छी टूरिज्म जैसे मौके मिले? जी जी बिल्कुल। लोग ये है कि कचरा वगैरह फेंक देते हैं सड़कों पर, वो नहीं करना चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए और बाकी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। मौसम भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। गलियात के अलावा कहाँ कहाँ? हम लोग कुल्डना मरी वगैरह से गलियात में। कितने दिन का टूर? हमारा 2 दिन का। जी नाज़रीन, देखा आपने यहाँ पर एक फैमिली आई हुई लाहौर से, जिस तरह के यहाँ पर बच्चियों ने जिप लाइन पे उन्होंने अब यहाँ पर परफॉर्म किया, तो जिस तरह उनको बड़ों ने भी कहना था, यही कहना था कि ऐसी एक्टिविटीज़ मजीद यहाँ पर अगर ऐसे मौके होते हैं और जगह भी यहाँ पर हैं ऐसी जहाँ पर जिप लाइन बन सकती हैं, तो आई हुई सियाहों को अच्छे मौके मैसर हो सकते हैं। ना जिस तरह हम मजीद आगे जाएंगे और टूरिस्ट से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मौजूद है हम नथिया गली में, तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आपको हमने दिखाई। यहाँ पर आर्चरी एक एक्टिविटी है, यहाँ पर जो है हम तीर कमान से जो निशाना लगा रहे हैं, कुछ बच्चों ने निशाना भी लगाया, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर वेदर जो है, जिस तरह मैंने भी आपको बताया, काफ़ी तादाद में आज इस महंगाई के दौर में भी हम देख रहे हैं जिस तरह के रश बहुत ज़्यादा है, लोग आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत प्यारा है और हर बंदा आना चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ से आए? हम पेशावर से। पेशावर से आए? जी जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे और क्या करती हैं आप, स्टडी करती हैं? जी मैं पेशावर में खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा। और यहाँ पे वीकेंड मनाने फैमिली के साथ आई हूँ और यहाँ पे आइट से कि जून में इस तरह का मौसम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। वहाँ पे तो बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे मौसम बहुत प्लेजेंट है और मज़ा बहुत आ रहा है और ये जगह भी काफ़ी बेहतर हो गई है। हॉर्स राइडिंग है, आर्चरी है यहाँ पे, इसके अलावा कॉफ़ी, चाय, मतलब सब कुछ अवेलेबल है, तो बहुत टूरिस्ट के लिए एक अच्छी जगह ही है। तो नथिया गली आप गलियात साइड पहले भी आई हैं या? नहीं नहीं, मैं पहले भी आई हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो है वक्त के साथ डेवलप हो रहा है, तो ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है जो हमें नजर आ रहा है। तो स्वाद भी तो है, मतलब उधर कितनी सीजन में गई है? जी स्वाद में मैं गई हूँ मालम जवा। अच्छा। और मुझे लग रहा है ये जगह ज्यादा डेवलप है। कलाम देखें आगे, मदेन, बहरेन, अबशारे हैं वहाँ पे, ग्लेशियर है। जी लेकिन ज्यादा ट्रेवलिंग है वहाँ पर क्या? आपस की बात मैं आपको बताऊँ, हमें नथिया गली पसंद है। जी बिल्कुल, एबटाबाद मोटर 1000
मोटरवे से हम यही पे आते हैं डायरेक्ट। एक्सेस मतलब इजी है। इजी है एक्सेस बिल्कुल। और वेदर के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं? वेदर मैं कहूँगी पूरे पाकिस्तान में ये इलाका ठंडा है सबसे ज्यादा। अच्छा, अभी आपने कहा कि यहाँ पर डेवलपमेंट हुई, लेकिन यहाँ पे और क्या समझती आप, घूमी है यहाँ पे देखा आपने, तो क्या चीज़ें मजीद होनी चाहिए या क्या कमियाँ रहती हैं अभी भी? जी, मुझे जो एक पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, फॉरेस्ट कटिंग, जिसकी वजह से जो ये वेदर है या बारिश है या मतलब बर्फ़बारी स्नोफॉल, ये सब कुछ इन अल्पाइन फॉरेस्ट है, ये आपको पता होगा ना, तो ये सब कुछ इन ट्रीज़ की वजह से है। जब ये डिफॉरेस्टेशन होगी, जब दरख्त कटेंगे, तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि और ये ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, क्योंकि जब बाहर से भी टूरिस्ट आएंगे तो ज़ाहिर बात है मुल्क की इकानमी में भी इजाफा होगा, हमारे लिए अच्छा वो है पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हो। कहाँ से आए हैं? मर्दान। मर्दान से आए हैं? यस। क्या आपने यहाँ की एक्टिविटी की? आर्चरी की एक्टिविटी की, बहुत अच्छी है। और इधर हम लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, इधर कॉफ़ी भी अच्छी होती है और खाना खाने खाते हैं। तो क्या क्या अच्छा लगा यहाँ पे, मतलब ज़्यादा क्या अच्छा लगा? मौसम अच्छा, मौसम अच्छा लगा, मौसम अच्छा लगा। यस। तो और फ्रेंड्स को क्या कहेंगी यहाँ पर आप आए तो? यहाँ पर जिस तरह स्वाद भी है, यहाँ भी है, डिफरेंट क्या देखते हैं, तो यहाँ पर उनको क्या कहेंगे, इधर ज़्यादा आना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सी जगह अच्छी है? और खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा इधर आना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में ये जगह अच्छी है और इधर का मौसम भी अच्छा होता है और इधर हम लोग सीज़न भी गुजारते हैं और स्वाद में इतना अच्छा मौसम नहीं होता, स्वाद में थोड़ी गर्मी होती है, इधर अच्छा मौसम होता है और बस इधर हम लोग। ये कौन है? ये मेरी बहन है। बहन है? यस। घर में कौन सी जुबान बोलते हैं? पश्तो। पश्तो? यस। पश्तो में अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना, मर्दान वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? आप लोग पश्तो में बोलें ताजुल तराज़े और फ्रेंड्स को बोले ना उधर कैमरे में बोले ताजुल तराज़े और दिल तारीख कुल मौसमी और गदल तारीख कुल मौसमी जाय को दिल तकलक देख कुल नाश्ता को ले और रोटी को ले छे और बस वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टाफ सुनन दे जुनेशा। जुनेशा, आप उर्दू में बात करोगे पश्तो में करोगे? उर्दू में। उर्दू में बोले जी, क्या देखा अगर याद है? हमने यहाँ पर बहुत अच्छी मौसम देखे और बहुत अच्छी सी जगह देखे, यहाँ की मौसम भी अच्छे होते हैं और यहाँ पर यह जो पार्क है इसमें ये झूले भी अच्छे हैं, बहुत सी चीज़ें भी हैं और हमने यहाँ पर आर्ट एक्टिविटी इन्जॉय की और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ इन्जॉय करी और भी बहुत सी एक्टिविटी इन्जॉय की और यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है तो चाहिए कि इन लोग को ये नहीं ये ना करें और क्योंकि जब कहीं और से भी कटेंगे दरख्त कटेंगे तो वेदर जो है वो क्लाइमेट वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ बारिश नहीं होगी। हाँ, बर्फ नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, बर्फ। अच्छा अच्छा, बर्फबारी में आई है यहाँ पे आप? हाँ जी आई हैं। हाँ जी। तो कैसा अब के और उस मौसम में क्या फ़र्क देखती है? वो बर्फबारी वाला मौसम अच्छा, वो बहुत ठंडा होता है, वो बहुत अच्छा होता है, उसमें इंजॉयमेंट बहुत अच्छी होती है, लोग भी ज़्यादा होते हैं, रश भी होता है, फिर तो खूब इंजॉय किया आपने। जी जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा, जिस तरह यहाँ पर हमने मुख्तलिफ फैमिली से बात की, हम गलियात में मौजूद थे, तो यहाँ पर अगर बात करें जिस तरह उन्होंने कहा, जिस तरह बड़ी अच्छी बात की बच्चों ने, कि यहाँ पर जो दरख्त काटे जा रहे हैं और बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन एक प्रॉपर एक जहाँ पर अगर बने एक चीज़ जिस यहाँ पर दरख्तों की कटाई ना हो, जिस तरह क्लाइमेट चेंज का मसला दुनिया भर में है, तो यहाँ पर मौसमी तब्दीली जो है यहाँ पर भी आ जाएगी और यहाँ पर मौसम जो है दरख्त कटने से वो चीज़ नहीं रहेगी जो यहाँ पर कुदरती खूबसूरती है। तो ये बहुत अहम बात की उन्होंने। तो इस तरह जिस तरह टूरिज़म के हवाले से भी कुछ लोगों ने बात की कि यहाँ पर मज़ीद अगर यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाएँ गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा या टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आयुष्याह को और अच्छे मौके जो है टूरिज़म के मिल सकते हैं। आज का प्रोग्राम हमने देखा, हमने यहाँ पर कोशिश की कि आपको यहाँ पर नक्शे गली की सैर करवाएँ, हमने आपको यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ थी वो भी दिखाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सिमा को इजाज़त है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।